सुरियों का हारा पाते हैं। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? और कन्या वेदी में बैठे हुए हमारे उपाचार्य महोदय। यूपी के बलिया में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दुल्हनों की शादी बिना दूल्हे के करा दी गई। सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़े का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में दुल्हनें अपने ही गले में वरमाला डालते दिखाई दे रही हैं। दूल्हों के चेहरे भी कपड़े से ढके नजर आ रहे हैं। सिंदूरदान के वक्त भी दुल्हनों का घूंघट नहीं उठा। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए वरवधु को 500-500 रुपए पर पंडाल में लाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन मनियर इंटर कॉलेज में किया गया। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने तत्काल जांच टीम गठित कर दी। जांच के बाद टीम ने रिपोर्ट डीएम रविंद्र कुमार को सौंप दी। एडीओ समाज कल्याण के अलावा 8 फर्जी लाभार्थियों पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कराया गया। डीएम ने बताया कि अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। एडीओ समाज कल्याण को निलंबित और बर्खास्त करने की सिफारिश की गई। समाज कल्याण विभाग की ओर से सामूहिक विवाह में 568 जोड़ों की शादी कराई गई थी। अफसरों ने बिना दूल्हे के सैकड़ों दुल्हनों की शादियां करा दी। दुल्हनों ने खुद को अपने गले में वरमाला डाली। बुरके में आए दुल्हनों ने भी अपने हाथों में वरमाला डाली। शादी के मंडप में नाबालिग को भी दूल्हा बनाया गया। पकड़े जाने पर उसने शादी देखने के लिए मंडप में पहुंचने की बात कही। उसने आरोप लगाया कि लोगों ने जबरन पैसे का लालच देकर शादी करा दी। बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन ने 20 सदस्यीय टीम जाँच गठित कर दी है। अब तक जाँच में 8 लाभार्थियों की धांधली सामने आई है। योजना के तहत मिलने वाली धनराशि पर रोक लगा दी गई। अनुमान की जांच के क्रम में और भी फर्जीवाड़ा मामला उजागर हो सकता है। क्या हुआ था 27 तारीख को? कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? शादी होता है। हाँ। फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया, तो मैं बैठ गया। किस लिए बैठा दिया? जबरदस्ती नहीं, सही बैठा दिया था। हाँ। क्या बैठ गया था? क्या कह लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ। किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए तो आप बैठ गए वहाँ। हाँ। फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठे थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा था, टोपी भी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। फोटो खींचे थे माला, दूसरा था टोपी। फोटो खींचे थे माला, दूसरा था टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है? पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठ कर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या क्या कर रहे थे बहुत लोग? बहुत लोगों को बैठाया गया? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गाँव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गांव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? देखिए, जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था, इसमें लगभग 550 जोड़े जो कि 4 ब्लॉक से थे, उसमें जो है हम लोगों ने सामूहिक विवाह जो ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किए थे उनका सत्यापन करा के उनके जोड़ों की शादियां करवाई थी। अगले ही दिन एक अखबार में ये खबर छपी कि उसमें कई फर्जीवाड़ा, कई क्लास स्केल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल ही एक 3 मेंबर कमेटी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी थे, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी थे और जिला कृषि अधिकारी थे, उनके माध्यम से हमने सत्यापन कराना स्टार्ट किया। और हमारा निर्देश बिल्कुल क्लियर था कि आप 100% लाभार्थी जितने भी आवेदक करता है सबका सत्यापन उनके ग्राम पंचायतों में जाकर करेंगे। और उस हिसाब से उन्होंने कल रात में हमें एक जांच करके दी है 3 ग्राम पंचायतों की। उसके बाद हम इस जांच को और गति से करवाने के लिए आज हमने कल ही रात को एक 20 मेंबर जिला स्तरीय अधिकारी को अलग अलग टारगेट्स देके हमने इसकी बहुत वृहद जांच हमने करवा दिया है। अभी तक उन लोगों की क्या रिपोर्ट आई है?
क्या कुछ बताए हैं लोग? अभी उन्होंने कल 3 ग्राम पंचायतों का हमें करके दिया है, जिसमें से अराउंड 25-26 के उन्होंने सत्यापन किए घर घर जाके, तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 8 जो थे वो अपात्र थे, जो कि जिनको पात्र करके आवेदनकर्ता ने अप्लाई किया और उसको सत्यापनकर्ता अधिकारी ने नीचे ग्रामीण स्तर पर फील्ड लेवल ऑफिसर ने सत्यापन करके उसको पात्र घोषित करके ये किया, और तुम उसके खिलाफ हम लोग FIRs दर्ज करा रहे हैं, जो भी सत्यापन करता है उसके खिलाफ भी और आवेदन करता है उसके खिलाफ। ये जो पूरे लोग जो शादीशुदा हैं, कब तक इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जा सकती है? देखिए, हमने आज सुबह जो टीम, कल रात को ही हमने जो टीम निर्देशित करी, आज सुबह 6 बजे से हमारी जो 20 लोग, 20 जिला स्तरीय अधिकारी जो सब फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं, चारों ब्लॉक्स में घूम रहे हैं, घर घर, ग्राम ग्राम पंचायत घूम रहे हैं, हमने उनको निर्देशित किया है कि आज शाम तक हमें 100% सत्यापन करके रिपोर्ट आप प्रेषित करिए उसके खिलाफ, और जो भी संबंधित अपात्र पाए जाते हैं इसमें उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग को ये भी, हम आपके माध्यम से हम जनता को ये भी सूचित करना चाहते हैं कि हमने जिला समाज कल्याण अधिकारी को ये निर्देशित किया है जिला प्रशासन ने कि जब तक 100% इसकी जांच नहीं हो पाएगी तो जो लाभार्थी, जो जोड़ों को पैसा मिलता है, अनुदान की धनराशि मिलती है 35,000 रुपए, वो नहीं दी जाएगी। जब तक 100% हम इसकी जांच नहीं कर लेंगे तब तक नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए अगर किसी को कोई बेनिफिट भी मिला हुआ है, कोई सामान मिला हो, तो उसकी रिकवरीज कराने का भी हम सुनिश्चित करवाएंगे।